हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। टॉपिक टेस्ट के टेस्ट 7 में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है हम लोग का, पहला सवाल को देखते हैं। बिल्कुल ही आसान सा सवाल, क्या बोल रहा है। ए बैग कंटेन 20 क्वाइंस आउट ऑफ विच 5 क्वाइंस आर काउंटरफिट। ठीक है, मतलब 5 जो है वो गलत क्वाइन है। ठीक है, क्या गलत है उसमें। विथ टेल्स ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ उसमें क्या है, टेल्स है। द रेस्ट आर फेयर क्वाइन, बाकी जो है वो क्या है, फेयर क्वाइन है। यानी कि 20 में आपका जो है 5 जो हो गया वो क्या है, गलत वाला। यानी कि सही वाला क्वाइंस कितने हैं आपके, 15 है। बोल रहा है वन क्वाइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड टॉस्ड। एक क्वाइन को सबसे पहले सेलेक्ट किया गया एट रैंडम बैग से और उसको टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने का प्रायोरिटी क्या है, आपको ये बताना है। अब देखो, यहाँ से दो दो चीज यहाँ पे काम कर रही हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या किया, एक क्वाइन को पहले सेलेक्ट किया गया, ठीक है, और उसके बाद टॉस किया गया और उस टॉस में तुम्हें हेड आए, इसकी क्या प्रायोरिटी है। तो जैसे ही तुम्हारा एक क्वाइन का तुम बात करते हो, एक क्वाइन में टोटल आउटकम हेड या टेली हो सकता है, हेड आने की प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब सबसे पहले तुम्हें एक क्वाइन को सिलेक्ट करना है। अब देखो, हेड जो तुम्हारा आएगा वो फेयर क्वाइन से आएगा ना, क्योंकि ये जो 5 क्वाइन हैं इसमें क्या है तुम्हारे, कि सारे के सारे जो हैं वो क्या है, दोनों तरफ टेल वाले ही हैं। तो ये 5 क्वाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। एक क्वाइन की जो सिलेक्शन होगी वो किससे होगी, 15 से होगी, और वो एक क्वाइन का प्रायोरिटी क्या होगा, सबसे पहले ये निकाल लो। तो एक क्वाइन की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 15C1 बटे में क्या, 20C1। एक क्वाइन की प्रायोरिटी निकल गई और वो क्वाइन हेड हो, इसकी क्या प्रायोरिटी है, 1/2। बस दैट्स इट, इसे सॉल्व कर दो। क्या मिलेगा तुम्हें, 15/20 गुने में 1/2, 5 से 3 बार में 5 से 4 बार में। यानी कि सॉल्व करोगे जब इसे तुम, सॉल्व करने के बाद ये तुम्हें क्या देगा, 3/8। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/8। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या है, 8 चिल्ड्रेन विवान आर्यन चेड रूबी सिमर एंड श्याम दीपक एंड एकलव्य। ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं और इन सब का तुम्हें क्या दिए हुए है, आर टू बी सीटेड इन अ सिंगल रो ऑफ 8 चेयर। ठीक है, 8 चेयर के एक रो में इन सबको क्या करना है, तुम्हें बैठाना है। क्या बोल रहा है, इफ आर्यन कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू दीपक और सिमर, आर्यन जो है दीपक और सिमर के बगल में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 8 चिल्ड्रेन आर पॉसिबल, 8ों बच्चे के कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये तुम्हें बताना है। यहाँ देखो, ये प्रायोरिटी का सवाल नहीं है, नॉर्मल अरेंजमेंट, लेकिन फिर भी ये पार्ट ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कैन नॉट का कंडीशन जब भी आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल माइनस कमिंग टुगेदर का कंडीशन। तो अब हमें क्या करना है, टोटल तो हमें मालूम है 8 बच्चे हैं, 8ों का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, 8 factorial हो जाता है। ठीक है, अब कमिंग टुगेदर का कंडीशन देखो, पहला केस क्या बोलता है, पहला केस होगा आर्यन जो है वो क्या होगा, दीपक के साथ बैठेगा। ठीक है, मतलब आर्यन दीपक जो होंगे वो क्या होंगे, साथ में बैठेंगे। तो 6-8 लोगों में से 2 लोग जब साथ में बैठेंगे तो बचे कितने लोग, 6 लोग बचे, 6 पीपल। यहाँ पे इनका अरेंजमेंट क्या होगा, 6 और 1 कितना होगा, 7, यानी 7 factorial, और गुने में अंदर की दो चीज़ों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 2 factorial। सेकेंड केस तुम्हारा क्या हो सकता है कि आर्यन जो है वो किसके साथ बैठ जाए, सिमर के साथ बैठ जाए। फिर देखो वही कंडीशन कि ये दोनों जो हैं एक घेरे के अंदर बंद हो जाएंगे एंड प्लस 6 पीपल, तो जो अरेंजमेंट निकलेगा सेम एज इट इज़ निकल जाएगा, 7 factorial गुने में क्या, 2 factorial। ठीक है, देखो जब तुम इसे अरेंज कर रहे थे तो एक कंडीशन ऐसा भी तो बन सकता है, आर्यन दीपक यहाँ पे बैठ गया प्लस में क्या, सिमर। ठीक है, या हो सकता है आर्यन सिमर प्लस में क्या, दीपक, ऐसा भी तो एक केस बैठ सकता है। तो वो जो केस ऐसा है जो दोनों में ही तुम्हें दिख रहा है, वो केस एक क्या करो तुम, घटा दो। कौन सा केस घटेगा हमारा, जब हमारा आर्यन सिमर और दीपक जो है वो क्या बैठेंगे, साथ बैठेंगे। तो ये तीनों जब साथ बैठेंगे तो बचे कितने लोग हमारे, 5। अब इन लोगों को हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो 5 लोग और यहाँ से एक ग्रुप, यानी कि कितने लोग हो गए, 6 factorial, और अंदर के 3 लोगों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 3 factorial। यानी ये एक ऐसा केस है जो इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल हमारा जो टोटल हो जाएगा वो टोटल क्या हो जाएगा, 7 factorial गुने में 2 factorial प्लस में 7 factorial गुने में 2 factorial माइनस में 6 factorial गुने में 3 factorial।
ये दोनों चीज सेम है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल गुने में 2 फैक्टोरियल, गुने में कितना 2, माइनस में 6 फैक्टोरियल गुने में क्या 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो 7 फैक्टोरियल है, इसे क्या लिखोगे 7 × 6 फैक्टोरियल, यानी कि तुम यहाँ से 6 फैक्टोरियल जो है कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा क्या 7 × 2 × 2, माइनस में 3 फैक्टोरियल है तुम्हारा यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है, यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 6 फैक्टोरियल, 2 × 2 = 4 और × 7 = 28 में जब तुम 6 घटा दोगे तो ये तुम्हें क्या देने वाला है 6 फैक्टोरियल गुने में कितना 22। यानी कि ये तुम्हारा निकल गया कि वे लोग साथ बैठेंगे। अब तुम्हें निकालना क्या है कि वे लोग साथ नहीं बैठेंगे, इसका अरेंजमेंट निकालना है। तो साथ नहीं बैठेंगे का अरेंजमेंट क्या होता है, टोटल अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं साथ बैठने वाला अरेंजमेंट घटा देते हैं, यानी क्या घटा देंगे 6 फैक्टोरियल गुने में क्या 22। अब देखो यहाँ से एक फायदा यहाँ से क्या होगा, इसे ना ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना, यहाँ से तुम चाहो तो 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। 6 फैक्टोरियल जब कॉमन लोगे तो इस पार्ट में तुम्हारा बचेगा क्या 8 × 7, ठीक है, माइनस कर दो 22। अब देखो कितना आसानी सॉल्व हो जाएगा 6 फैक्टोरियल गुने में 8 × 7 = 56 में जब 22 चला जाएगा तो क्या बचेगा 34। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720 × 34। अब यहां से तुम 72 और 34 को गुना कर दोगे, जब इसे गुना करोगे तो ये गुना होने के बाद तुम्हें देगा 24480 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आर्यन जो है दीपक के बगल में ना बैठे या सीमर के बगल में ना बैठे, वह कितने तरीके हैं 24480 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, इन अ बैग देयर आर 3 कलर ऑफ बॉल, 3 कलर के बॉल है, कौन कौन से, ग्रीन, ब्लैक और येलो। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 green ball आउट ऑफ ऑल बॉल इज 1/3। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 3 बॉल जो है उसकी कितनी है 1/3। तो देखो ग्रीन की संख्या मान लिया जी, ब्लैक की संख्या मान लिया बी और येलो की संख्या मान लिया ए वाई। ठीक है, ग्रीन बटे में ग्रीन प्लस में ब्लैक प्लस में येलो। ठीक है, ग्रीन बटे में क्या हो जाएगा ब्लैक प्लस में येलो, ये तुम्हें दिए हुए है 1/3। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 yellow ball आउट ऑफ ऑल बॉल्स, एक येलो बॉल आउट ऑफ ऑल बॉल्स यानी ग्रीन प्लस ब्लैक प्लस येलो जो है वो है तुम्हारा 3/8। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है, इफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज द बैग इज 7, यानी बी का मान तुम्हें दिए हुए है, कितना दिए हुए है बी का मान 7 दिए हुए है, तो तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल, यानी वाई का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, बी को तुम बैठा दोगे तो जी वाई का 1 इक्वेशन, यहाँ पे भी जी वाई का 1 इक्वेशन, लंबा चौड़ा ले जाके तुम किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो अंडरस्टैंडिंग देखो क्या बना सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा टोटल बॉल, टोटल बॉल तो हर जगह सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ 8 है, सेम है नहीं, तो इसको क्या करो 8 से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसको क्या करो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया 9/ कितना 24 और यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया 8/24। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि ग्रीन जो है वो 8 है, वाई जो है हमारा 9 है, इसे चेक कर लो एक बार, क्योंकि टोटल जब तुम्हारा 24 है और ब्लैक तुम्हें दिए हुए है 7। ठीक है, तो ये तीनों जोड़ने के बाद तुम्हें 24 आते हैं कि नहीं आते हैं, तो बिल्कुल देख लो यहाँ पे 9 और 7 जब तुम जोड़ोगे तो वो तुम्हें देगा 16, 16 और 8 जोड़ोगे तो वो तुम्हें देगा 24, यानी कि 24 आ जा रहे हैं, यानी ये जो अरेंजमेंट मैंने माना था ये अरेंजमेंट क्या है बिल्कुल सही है। और इसी के साथ वाई का जो वैल्यू निकल गया हमारा वो कितना निकल गया 9 निकल गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, बोल रहा है ए बॉक्स कंटेन स्लिप्स विथ नंबर 1 to 50 रिटर्न ऑन देम, 1 से 50 तक उसमें रिटर्न है, ए स्लिप इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड, एक स्लिप को निकाला जाता है फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, देन अनदर स्लिप इज ड्रॉन, फिर दूसरा स्लिप को निकाला जाता है एंड आफ्टर रिप्लेसिंग, उसको रिप्लेस करने के बाद एक और स्लिप जो है वो क्या कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर अपियर ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ पे जो है वो क्या निकलना चाहिए तुम्हारा इवन नंबर निकलना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ड्रॉ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए इवन नंबर। ठीक है, फिर क्या बोला तुम्हारा सवाल में कि सेकेंड ड्रॉ पे एन ऑड नंबर ऑन द सेकेंड ड्रॉ, ऑड नंबर होना चाहिए सेकेंड ड्रॉ पे, फिर थर्ड में क्या बोला है एंड अ नंबर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए तुम्हारा
थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि टोटल तुम्हारे पास वन से लेके 50 तक हैं, वन से लेके 50 तक में कितने इवन नंबर आ सकते हैं, 25 इवन नंबर आ सकते हैं। तो एक आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 25 बटे में क्या 50। उसी तरीके से ऑड भी हमारा 25 आएगा, यानी ऑड आने का कितने हो जाएंगे, 25 बाई में 50। डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री का मतलब क्या है, 16 इंटू थ्री करोगे तो तुम 48 तक पहुंच जाओगे, यानी कि 16 टिकट ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, तीन से डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबल बाई थ्री की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 16 बाई में क्या 50, ठीक है। चूंकि ये तीनों को कंबाइंड रूप से हमें लेना है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 से काट दो इसे दो बार में, यहाँ काट दो इसे दो बार में, 2 इंटू टू 4, 4 से कट जाएगा ये 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, यानी कि ये तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बाई में 25, एंड योर आंसर इज 2 बाई में 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब तुम्हें बोला है कि ड्रॉ कर रहे हैं वन बाई वन विदाउट आफ्टर रिप्लेसिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किन से जुड़ गई, एंड से जुड़ गई, ठीक है। तो एंड का मतलब ही होता है क्या, मल्टीप्लाई करना, इसलिए यहाँ पे ये सारा चीज़ क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या है, देर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं। द प्रायोरिटी डेट, तो मान लिया लड़के बी हैं और लड़कियाँ जी हैं, ठीक है। The priority that when a person is selected at randomly, एक person को select किया गया at randomly, it will be a boy is 2 by 3. वो लड़का हो इसकी क्या priority है, 2 by 3. तो लड़का होने का क्या होगा, boy बटे में, boy plus girl कितना दिए हुआ है, 2 by 3. Solve करोगे इसे तो 3b बराबर में 2b plus में क्या है 2g, ठीक है। b बराबर में क्या हो जाएगा 2g, रेशियो निकाल लो, b बाई में g कितना निकल जाएगा 2 बाई में 1, चाहो तो इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ये टू बॉय 2x हो गया, गर्ल्स क्या हो गया x हो गया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सवाल में क्या बोल रहा है, एंड द प्रायोरिटी डेट वेन टू पीपल आर सेलेक्टेड एट रैंडम, जो प्रायोरिटी है कि जब दो लोग को सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम, बोथ आर ऑफ अपोजिट जेंडर्स इज 16 बाई 33, दोनों ही अपोजिट जेंडर से हैं, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 16 बाई में 33। तो अपोजिट जेंडर का मतलब क्या है, एक बार लड़का दूसरी बार क्या लड़की, ठीक है, और बटे में टोटल क्या हो जाएगा हमारा, बॉय प्लस गर्ल सी टू, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा देखो अरेंज कर सकते हो तुम, इसी का वैल्यू दिए हुए है 16 बाई में 33। देखो बॉय प्लस गर्ल यहाँ पे तो तुम्हारा फिक्स है कि बॉय इंटू गर्ल होगा, नीचे में क्या होगा तुम्हारा, बॉय प्लस गर्ल, फिर क्या होगा एक बार और घटा दो, वन बॉय प्लस गर्ल माइनस में वन, और नीचे में जो टू होगा उस टू को हम लोगों ने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया, बराबर में क्या है 16 बाई में 33। दो से इसे काट दो 8 बार में, अब बॉय के जगह 2x, गर्ल के जगह x बैठा दो, तो ऊपर में जब बैठाओगे तो बॉय इंटू 2x इंटू x करोगे तो क्या देगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस में x करोगे तो क्या देगा 3x इंटू में 3x माइनस में 1, ठीक है, बराबर में क्या 8 बाई में 33। यहाँ से एक एक्स इस एक्स को काट देगा, दो से काट देगा ये 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये देगा तुम्हें 33x, फिर इधर जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 36x माइनस में 12, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, बॉयज 2x है और x है, 2x माइनस में x की वैल्यू क्या हो गई, यानी x की वैल्यू सीधा सीधी पूछ रखी है, x की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी निकाली, 4 निकाली, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखो नेक्स्ट में क्या है, इफ टू बॉल्स आर पिक्ड वन बाई वन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 8 ब्लैक एंड सम व्हाइट बॉल, मान लिया हम लोगों ने कितने व्हाइट बॉल हैं, एक्स व्हाइट बॉल है, ठीक है। द प्रायोरिटी डेट बोथ आर व्हाइट इज 1 बाई 9, प्रायोरिटी जो है दोनों ही व्हाइट हो इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 1 बाई 9 है। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि दो बॉल निकाला जा रहा है 1 बाई 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट करने के बाद, ठीक है, मतलब टोटल क्वांटिटी में चेंज नहीं होगी, लेकिन निकाल रहे हैं कैसे 1 बाई 1, तो एक एक करके जब निकालेंगे तो दोनों ही व्हाइट हो इसकी प्रायोरिटी दी हुई है 1 बाई 9। तो पहला व्हाइट होने का प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, एक्स बाई में 8 प्लस में x, फिर दूसरी बार जब फिर व्हाइट निकालेंगे तो x बाई में क्या होगा 8 प्लस में x, और इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें 1 बाई में कितना 9। अब इसी को हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करके x का मान निकालना है, x जब यहाँ से निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे में
8 इंटू 8 64 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 16x बराबर में क्या हो जाएगा 1 बाई में 9। ठीक है, यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो 9x स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में क्या हो जाएगा 64, यानी 8x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू बोल दो, 16x प्लस में क्या हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ से 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा दो बार में, यहाँ कट जाएगा 8 बार में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में तुम्हें क्या दिख गया 2x प्लस में 8। थोड़ा अरेंज करके जब तुम इसे लिखोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा अरेंज करने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 बराबर में 0। देखो ये क्वाड्रेटिक में आ गया, क्वाड्रेटिक में जब आ गया तो तुम इसे क्या बोल सकते हो, माइनस 4 और यहाँ पे क्या प्लस में 2। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस में 4 और माइनस में 2। माइनस वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, यानी कि वाइट बॉल की नंबर हमें निकल गई, कितने वाइट बॉल थे हमारे 4 वाइट बॉल थे, क्योंकि एक्स का पॉजिटिव में जो वैल्यू है वो कितना आया है 4 आया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछ रखा है तुमसे, सवाल में पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 3 बॉल्स आर पिक्ड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली 1 इज ऑफ डिफरेंट कलर, 1 by 1 बिना रिप्लेसमेंट का। ठीक है, अब ध्यान रखना बिना रिप्लेसमेंट का कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि तीनों जो हैं एग्जैक्टली 1 इज ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों में एक जो है वो क्या हो डिफरेंट कलर का हो। तो देखो इसका दो ही केस तुम्हारे पास बन रहा है, अगर तुम दो ब्लैक लोगे तो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा वाइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा वाइट हो जाएगा। फिर दूसरा केस तुम्हारा क्या होगा कि एक ब्लैक लोगे दो वाइट हो जाएगा, तो पहले दो ब्लैक का देखो एक एक करके निकाल रहे हो बिना रिप्लेसमेंट का, तो सबसे पहले एक ब्लैक निकालोगे तो 8 बाई में क्या हो जाएगा 12, फिर दूसरा बार में ब्लैक निकालोगे तो फिर ब्लैक निकालने का क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 बाई में क्या 11। ठीक है, फिर तीसरा तुम क्या निकालोगे वाइट निकालोगे, वाइट निकालने के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 बाई में क्या 10। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या गारंटी है कि तुम सबसे पहले ब्लैक ही निकालोगे फिर वाइट निकालो, फिर दूसरा बार भी ब्लैक निकालोगे फिर वाइट निकालोगे, मतलब ये तीन चीज़ आपस में क्या है कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे तीन केसेस और बना के देंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो सकता है ना जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, पहले ब्लैक लिया फिर वाइट लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइट लेंगे फिर ब्लैक लेंगे फिर ब्लैक लेंगे, या ब्लैक लेंगे फिर वाइट लेंगे फिर ब्लैक लेंगे, तो 3 केसेस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, दूसरा केस तुम्हारा क्या बनेगा, दूसरा केस तुम्हारा बनेगा एक ब्लैक लो तुम, ठीक है, और दूसरा बाकी जो दो बचे वो क्या लो वाइट लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लैक का जब तुम प्रायोरिटी निकालोगे तो 8/2 में क्या देगा तुम्हें 12 देगा, फिर तुम दूसरा वाइट में आओगे तो वाइट का जब तुम निकालोगे तो वो तुम्हें क्या देगा 4/1 कितना 11, और फिर दोबारा वाइट निकालोगे तो क्या देगा 3/11। इसके साथ भी सेम कंडीशन, ब्लैक वाइट वाइट तुमने निकाला तो ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैक वाइट और वाइट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने केसेस बनेंगे इसके साथ भी, 3 केसेस बनेंगे, सॉरी यहाँ 3/10 होगा। ठीक है, 3 केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 3 से इसे गुना कर दिया। अब हमें मालूम है कि जब दो केसेस बनते हैं तो दोनों केसेस को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे अब यहाँ से देखो थोड़ा काट छाट लेते हैं, 4 से काट दो इसे 3 बार में, 3 यहाँ से खत्म हो गया, 2 से काट दो इसे 4 बार में, 2 से काट दो इसे 5 बार में। ठीक है, फिर यहाँ से देखो 4 × 3 12 खत्म हो गया, 2 से काट दो 4 बार में, 2 से काट दो इसे 5 बार में, तो यहाँ पे जब तुम ऊपर में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 7 × 4 = 28 बाई में क्या 55। ठीक है, जब यहाँ पे तुम आओगे सॉल्व करने के लिए तो 4 × 3 = 12 बाई में क्या हो जाएगा 55, यानी कि प्रायोरिटी जो रिक्वायर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी वो रिक्वायर्ड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 28/55 पहला केस, या फिर 12/55 दूसरा केस। जब तुम इसे ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद तुम्हें देगा 40/55, 5 से काट दो इसे 8 बार में, 5 से काट दो इसे 11 बार में, यानी कि जो आंसर है वो है 8/11 एंड योर आंसर इज 8/11 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 डिफरेंट कलर बोला है, मतलब क्या कोई भी दो बॉल ले लो एक को जो है डिफरेंट कलर का लेना है तुम्हें। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या लिया, दो ब्लैक लिया और उसके साथ एक क्या किया वाइट एडजस्ट किया, फिर एक ब्लैक लिया उसके साथ क्या एडजस्ट किया दो वाइट एडजस्ट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, बॉक्स ए हैज 2 रेड बॉल्स। ठीक है, बॉक्स ए में जो है हमारा वो क्या है, हमारा 2 रेड बॉल है और फिर क्या है 3 ब्लू बॉल है। ठीक है,
बॉक्स बी हैज, बी में जो है वो है हमारा 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग बॉक्स ए इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग बॉक्स बी. ए और बी का जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बी का अगर एक है तो इसका ट्वाइस है कौन सा, ए. ठीक है, 2:1 दिया हुआ है. अब पूछा क्या है, ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, एक बॉक्स को चूज किया जाता है एट रैंडम, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम चूजन बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू, जो बॉल ड्रॉ किया गया वो क्या हो, ब्लू ना हो. तो ब्लू ना हो का मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो. तो जब ए का बात करोगे तो ए का प्रोबेबिलिटी कितना है तुम्हारा, 2/3, और इससे रेड का प्रोबेबिलिटी क्या देगा तुम्हें, 2/3 कितना, 5. ठीक है, बी में आओ, बी में बॉक्स चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, 1, और टोटल कितना है हमारा, 3. और यहां से जब तुम रेड उठाओगे तो रेड क्या हो जाएगा, 5/ कितना, 8. यानी कि 4/15 प्लस में 5/24, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 और 15 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, 24 और 15 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देगा, 120. 15 से कट जाएगा 8/8, 8×4 32. 24 से कट जाएगा ये 5/25. ठीक है, 32 और 5 जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या देगा, 57/120. 3 से काट दो इसे, तुम काट दोगे 3/1, और 9/3 से काट दो इसे 40/, यानी कि तुम्हें जो आंसर मिला वो कितना आंसर मिला, 19/40, जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है. इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दिस 19/40. ठीक है, प्रायोरिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू. देखो कभी कभी सवाल में क्या होता है ना, प्रायोरिटी का ना तुम्हें रेशियो दिए हुए है बॉल, जैसे ये जो रेशियो दिए हुए है 2:1, ये बैग का तुम्हें ना रेशियो दिए हुए रहेगा प्रायोरिटी का. तो यहाँ से जब तुम बैग ए का निकालो, अगर मान लो नहीं दिए हुए रहता, तुम क्या करते, ए के लिए लिखते 1/2, फिर बी के लिए भी लिखते 1/2, लेकिन यहाँ पे ना तुम्हें दे रखा है प्रायोरिटी, इसलिए यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना होगा, 2/3 ए के लिए, बी के लिए क्या लिखना होगा, 1/3 बैग चुनने की प्रायोरिटी. बाद में फिर हमारा जो बॉल चुनना है उनका प्रायोरिटी निकालना है हमें. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, इन अ लॉटरी देर आर 24 प्राइजेस. एक लॉटरी में जो है हमारे पास 24 क्या है, प्राइजेस है. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स की संख्या, खाली संख्या जो है, होता है ना आप लोग जब लगाते हो पैसा, तो पैसा लगाने के बाद कुछ नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक्स, इज 25 मोर देन द नंबर ऑफ प्राइजेस. जो नंबर ऑफ प्राइजेस है उससे 25 मोर है. ठीक है, तो 25 से ये 5/ में, 25 से ये 4/ में, 4 से ये 6/ में, यानी कि कितने ब्लैंक्स निकल गए, 30. टोटल तुम्हारे पास कितने ब्लैंक्स है, 30 ब्लैंक्स है, 24 प्राइजेस है. क्या बोल रहा है, मोहन बाउट 3 टिकट, मोहन ने 3 टिकट खरीदे, फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग 2 प्राइजेस एंड 1 ब्लैंक. प्रायोरिटी बताना है तुम्हें कि तुमने 2 प्राइजेस लिया और एक क्या लिया तुमने, ब्लैंक लिया. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 और 1 यानी 2 और 1 मिला के तुम्हें करना, एंड क्या बताता है, मल्टीप्लाई, बटे में टोटल कितना है, 32 कितना, 54, यानी 54C3 जो है हमारा, ये है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दो, 24×23×30. ठीक है, बटे में 2×54×53×52. ठीक है, और ऊपर में 3×2×1. अब इस चीज़ तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व कर दो, 2 से काट दो इसे 2/ में, फिर आगे जब काटोगे 4 से ये कट जाएगा 6/ में, 4 से ये कट जाएगा 13/ में. ठीक है, फिर 6 से इसे काटोगे 9/ में, 3 से इसे काटोगे 3/ में, और 3 से यहाँ कट जाएगा कितना बार में, 10/ में. तो ऊपर में तो साफ साफ दिख गया तुम्हें 200 क्या हो जाएगा, 30. 53×13 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें देगा 689, और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो है 230 बटे में कितना, 689, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल में हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में कुछ बॉय और कुछ लड़के हैं. ठीक है, इफ अ पर्सन पिक्ड एट रैंडम द प्रायोरिटी दैट इट इज अ बॉय इज 4/9. एक पर्सन को पिक किया गया तो वो बॉय हो, इसकी प्रायोरिटी दी हुई है 4/9. तो बॉय बी से बॉय मान लेते हैं, जी से गर्ल मान लेते हैं. बॉय बटे में बॉय प्लस गर्ल जो दिए हुए है तुम्हें, बॉय बटे में बॉय प्लस गर्ल जो दिए हुए है वो कितना दिए हुए है, 4/ में कितना, 9. जब यहाँ से तुम इसे सॉल्व करोगे तो बॉय बटे में गर्ल तुम्हें देखो क्या मिलेगा, यहाँ 9b में 4b चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5b, यानी यहाँ पे नीचे में क्या हो गया, 5. अब यहाँ 4g है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.
ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज टू लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल, बॉय की संख्या जो है लड़कों से कितनी कम है, लड़कियों से कितनी कम है, दो कम है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही यूनिट कम दिख रहा है, तो एक का मान दो के बराबर, तो चार का मान कितना के बराबर, आठ के बराबर, यानी आठ बॉयज़ हैं हमारे पास, लड़कियों का भी निकाल लो, गुना दो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 गर्ल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट टू पर्सन बींग पिक्ड अप विल बी बोथ गर्ल्स, दोनों ही क्या हैं, गर्ल्स हैं, ये तुम्हें बताना है। तो दोनों ही जब तुम्हारा गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, 10 है, दो चुनना है, 10 सी टू बटे में 10 और 8 कितना, 18, 18 सी टू, जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 10 गुने में 9 बटे में क्या मिलेगा, 18 गुने में क्या, 17, 9 से काट दो दो बार में, 2 से काट दो इसे 5 बार में, यानी फाइनली तुम्हें क्या मिल गया, 5 बाई में 17, एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 बाई में कितना, 17, ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। चलो 10 नंबर सवाल देखते हैं, और आखिरी सवाल और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों को इसमें टोटल आउटकम में कन्फ्यूज होते हुए, ठीक है, टोटल आउटकम इस सवाल का कैसे निकलता है, सबसे पहले ये देखो, ए डाइस इज रोल्ड 3 times, 3 बार रोल किया गया, एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस इज कितना, 15, जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, मतलब क्या है, 3 blank आपको जोड़ के क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द चांस डेट द फर्स्ट रोल वॉज 4, आपको बोल रहा है प्रायोरिटी निकालने के लिए, चांस निकालने की, पहला रोल जो है यहाँ पे क्या भरा है, 4 भरा जाए, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ से केस थोड़ा अलॉट कर देता हूँ मैं, केस 1 में देखो क्या है, तुम्हें जब 15 बनाना है तो 15 बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, 6 और 3 को भी ऐड करोगे तो 15 बन जाएगा। अब इसी को तुम्हें क्या करना है, अरेंज करना है, 6 3 6 में भी कर सकते हो, 3 6 6 में भी कर सकते हो, ठीक है। केस 2 में बात करते हैं, केस 2 में देखो क्या है, केस 2 में तुम इस तरीके से भी बना सकते हो, 4 5 and 6, ठीक है, या फिर 4 6 and 5, या फिर 5 6 and 4, या फिर 5 4 and 6, या फिर 6 5 4 6 4 5, देखो तो सारा जोड़ के तुम्हें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है क्या, सारा को जब जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। केस 3 एक ऐसा केस है जो सिंगल केस बनाता है, 5 5 और 5, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद भी क्या मिलता है, 15। यहाँ से जब तुम देख रहे हो तो यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान दो कि ये 3 यहाँ से 4 5 6 7 8 9 और एक कितना, 10, यानी कि ये जो टोटल निकल गया तुम्हारा क्या, 10, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग को फेवरेबल निकालना है, फेवरेबल देखो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, चांस जो है पहला रोल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, पहला रोल कहाँ कहाँ 4 मिल रहा है, 1 2, ठीक है, इसी दोनों में हमें मिल रहा है, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 5 6 और 4 6 5, यानी कितना तरीका से, 2 तरीका से। अब प्रायोरिटी निकालना है, प्रायोरिटी ऑफ द इवेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल बटे में क्या, टोटल, टोटल का बात करें तो टोटल हमारा क्या है यहाँ पे दिए हुए, देखो ध्यान से तुम, टोटल हमारा यहाँ से दिए हुए है कितना, 10 दिए हुए है, तो यहाँ पे लिख दो 10, 2 से काट दो इसे 5 बार में, यानी कि जो प्रायोरिटी चाहिए उस इवेंट का, वो इवेंट का प्रायोरिटी कितना है, 1/5। देखो अक्सर ना लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2/ में से 3 dice रोल किया गया, 3 dice का क्या लिख देते हैं, 2^6, और यही यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों ये गलत हो जाता है, क्योंकि डाइस तो एक ही रोल किया है, 3 बार रोल किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है तुम्हें निकालना होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें दिया हुआ है प्रायोरिटी निकालने के लिए, उसका टोटल पॉसिबल केस क्या है। तो उसका टोटल पॉसिबल केस कुछ इस तरीके से हम लोगों का निकला। अब ये जब निकल गया तो हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए था यूनिट, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फेवरेबल में क्या लिया, यही 2 टर्म को लिया, और यहाँ पे फेवरेबल बटे में टोटल कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1/5 कितना, 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ प्रायोरिटी के 10 questions जो हैं हमारे समाप्त हुए। जिन लोगों को एज इट इज़ ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे उन लोगों को क्या करना है, तुम्हें शेयर भी करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि ये बेनिफिट हर लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।